अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब टेक्निकल रहमान ऑनलाइन चैनल। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 12 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर, रूम हीटर बनाकर दिखाने वाले हैं। ये रूम हीटर आपके कमरे को अच्छी तरह के साथ गर्म कर देगा। सबसे मज़े की बात यह है कि ये इसका ज़्यादा खर्च नहीं है, ये 12 वोल्ट पर काम करता है, ये बैटरी पर भी सोलर पर भी काम करता है, ये 12 वोल्ट की सोलर प्लेट पर भी मुकम्मल काम करता है। ये हीटर 300 रुपए में मिल जाता है। अगर आप इसको अपने घर पर तैयार करेंगे ये तकरीबन 250-200 रुपए में मुकम्मल तैयार हो जाता है। तो इसके लिए जरूरत होगी कंप्यूटर सप्लाई की, बॉक्स की, जो इसका बॉक्स होता है साफ खाली, और 12 वोल्ट सीपीयू फैन की, 12 वोल्ट बैटरी की और 12 वोल्ट वायर की चीजें आपको कंप्यूटर मार्केट से यानी करा सिटी से या फैसलाबाद बाजार से मुकम्मल मिल जाएंगी। अच्छे तरीके के साथ और सस्ती मिल जाएंगी। ये बहुत ही मुफीद है। ये तकरीबन सीपीयू फैन तकरीबन 150 रुपए में और बैटरी 450 रुपए में और कंप्यूटर बॉक्स तकरीबन 100-150 रुपए में मिल जाएगा। और पेरिस पाउडर की प्लेट आपको बाजार से मुकम्मल अच्छे तरीके के साथ 100-150 रुपए में मिल जाएगी। और हीटिंग एलिमेंट आपको 50 रुपए में मिल जाएगा। मुझे गुजारिश है कि आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल टेक्निकल रहमान ऑनलाइन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। वीडियो को आपको शुरू करती है, वीडियो को बनाकर दिखाती है कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने हीटिंग स्प्रिंग को हीटिंग प्लेट से पेरिस पाउडर की प्लेट के ऊपर लगा लिया है। प्लेट के ऊपर अच्छी तरह से लगाकर स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। हमने एक स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है। अब हम दूसरे स्क्रू को इसके साथ टाइट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमने दूसरे स्क्रू को इसके साथ अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे और मुकम्मल पेरिस पाउडर की प्लेट के ऊपर हीटिंग एलिमेंट मुकम्मल अच्छे तरीके से हीटिंग प्लेट तैयार हो चुकी है। ये हमारा रूम हीटर को अच्छी तरह गर्म कर देगा 1 घंटा चलने से। आप देख सकते हैं कि हमने इसके सीपीयू फैन को सीपीयू बॉक्स के अंदर लगा दिया है, 12 वोल्ट सप्लाई की बॉक्स के अंदर लगा दिया है और हीटिंग एलिमेंट को भी इसके अंदर प्लेट के ऊपर लगाकर इसके अंदर मुकम्मल अच्छे तरीके के साथ लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर कवर को लगाने वाले हैं। कवर को लगाकर 12 वोल्ट बैटरी का कनेक्शन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने इसका सीपीयू फैन और 12 वोल्ट हीटिंग एलिमेंट प्लेट के कनेक्शन भी आपको करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमने इसके मुकम्मल अच्छे तरीके के साथ बॉक्स के ऊपर कवर को लगा रहे हैं और इसके बाद 12 वोल्ट हीटिंग एलिमेंट और 12 वोल्ट सीपीयू फैन का कनेक्शन करेंगे। इसके कनेक्शन आपको पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव पॉइंट को, नेगेटिव पॉइंट के साथ नेगेटिव पॉइंट को लगा देंगे। अब हम बैटरी के कनेक्शन करने वाले हैं। हम बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट को हीटिंग एलिमेंट फैन के पॉजिटिव पॉइंट पर और नेगेटिव पॉइंट को हीटिंग एलिमेंट का नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट पर लगा दीजिए। आप देख सकते हैं हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव वायर को लगा दिया है। अब हम नेगेटिव वायर के ऊपर नेगेटिव वायर को लगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमने दोनों का कनेक्शन अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लिए हैं और हमारा रूम हीटर बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए।